नमस्ते पीपल, दिस सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप लोग मेरे यूट्यूब के पेज और उसके कम्युनिटी सेक्शन में जाइए, वहाँ पे वोट कीजिए कि आपको फेब के मंथ में किस टाइप के वीडियोस देखने हैं, मोर इंडियन बेस की मोर फॉरेन बेस। और चिंता मत कीजिए, मैं बीजेपी वाला नहीं हूँ तो वोट में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी। धन्यवाद। और अब आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसका टॉपिक है रणथंभौर नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मशहूर नेशनल पार्क है इंडिया का, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के बीच में है, राजस्थान स्टेट में। इसकी वजह से होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, मेरी भी लिस्ट पे ये है। और जल्द ही शायद कुछ महीनों के अंदर मैं इसमें यहाँ पर जाऊँगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए यहाँ पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको भी यूट्यूब के जरिए बता देता हूँ। रणथंभौर नेशनल पार्क तो 1980s में स्टेब्लिश हुआ था, बट ये जगह काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे जो एक फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट, वो 10th सेंचुरी का है, तो आप देख ही सकते हैं जगह कितनी पुरानी है। और इस नेशनल पार्क में आपको 70s के आसपास यानी 70 टाइगर्स के आसपास टाइगर्स देखने के लिए मिलेंगे। टाइगर्स के अलावा यहाँ पे बहुत प्रजातियों के पेड़ और पौधे हैं, और साथ में कीड़े मकौड़े और दूसरे जानवर भी हैं। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो न्यू दिल्ली से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 450 किलोमीटर, और जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है वहाँ से इसका डिस्टेंस है 185 किलोमीटर्स। अब बात कर लेते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। अगर आप हिंदुस्तान के दूर दराज के इलाकों से यहाँ तक आने की सोच रहे हैं तो ऑफकोर्स आप जयपुर के एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से आप यहाँ पे कैब कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, बस कर सकते हैं। अगर आप एक बजट के अंदर है तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप ट्रेन लीजिए। सवाई माधोपुर करके एक रेलवे स्टेशन है जो वहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे है, रणथंभौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑफकोर्स 11 किलोमीटर के लिए आप टैक्सी कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा कर सकते हैं, किसी भी टाइप की छोटी मोटी बस करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर मैं बेस्ट टाइमिंग की बात करूँ क्योंकि आपको रणथंभौर कब आना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मार्च से जून के बीच में आइए। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप गर्मियों में आएंगे, ऑफकोर्स राजस्थान में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो गर्मी के टाइम पे एनिमल्स सारे पानी पीने के लिए बाहर आते हैं, तो आप उनको देख सकते हैं किसी भी टाइप के एनिमल्स को। और अगर आप विंटर में आने की अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ रणथंभौर में काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ती है सुबह के टाइम पे, तो उसके हिसाब से आप तैयार होकर आइए। और उसके साथ में ही विंटर में ज़्यादातर एनिमल निकलते नहीं है बाहर क्योंकि ऑफकोर्स ठंडी होती है, कौन निकलेगा। मतलब यूँ तो रणथंभौर में काफ़ी प्रकार के जीव जंतु हैं। अब हिंदी देख रहे हो तुम लोग मेरी, जीव जंतु से मेरा मतलब है जानवर और पेड़ पौधे वगैरह। पर पेड़ तो मैं किसको इंटरेस्ट है, सबको जानवर में इंटरेस्ट है, खासकर टाइगर्स में। अब रणथंभौर में टोटल 10 जोन है, 1 से 5 जो जोन है उसमें सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलते हैं जो कोर जोन होते हैं। अगर आपको टाइगर्स देखने हैं तो आप 1 से 5 जोन के बीच में घूमेंगे अपनी जिप्सी में। इसके अलावा अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो जोन 6 सबसे बेटर है। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूं तो आपको जोन 1 टू 5 के लिए जो एक्सेस मिलेगा वो आपको मिलेगा शेरपुर विलेज से। यही अगर आप जोन 6 से 10 के बीच में जाना चाहते हैं तो आपको मेन रोड साउथ ऑफ सवाई माधोपुर से रास्ता लेना पड़ेगा। पार्क का जो ओपनिंग टाइम है वह है सुबह सनराइज से लेकर सनसेट तक। अगर आप सफारी लेते हैं तो वो 2 से 2.5 घंटे के बीच में चलेगी। सुबह जो सफारी होती है वो चलती है सुबह 7 बजे, जो नेक्स्ट सफारी होती है वो चलती है दोपहर के 2 बजे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखें, जोन 1 टू 5 जुलाई 1 से लेकर अक्टूबर 1 के बीच में बंद रहते हैं हमेशा मानसून के टाइम पे। सफारी कॉस्ट की बात कर लेते हैं, जो सबसे मेन पार्ट है सफारी के लिए, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कैंटर जो एक ट्रक होता है जिसमें आप 20 लोग तक बैठा सकते हैं, और एक होती है जिप्सी जिसमें 6 लोग तक आ सकते हैं। अगर आप ऑफकोर्स बड़ी फैमिली है और आप कैंटर लेते हैं तो आपको पर पर्सन जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 620 इंडियन रुपीस। और अगर आप जिप्सी लेते हैं तो आपको पर पर्सन प्राइस पे करना पड़ेगा 970 रुपये या 1000 रुपीस मान लीजिए। इन पैसों में आपका व्हीकल हायर एंड गाइड फी ऑफ 540 इंडियन रुपीस इंक्लूडेड है। अगर आपको कंफर्टेबली घूमना है रणथंभौर पार्क तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा कि आप जिप्सी लीजिए, बट अगर आप एक बड़ी फैमिली है और आपको पैसे बचाने हैं या तो आप कैंटर ले सकते हैं। अगर आपके पास खुद की कार है तो आपको सिर्फ अलाउंस मिलेगा वहां के गणेश टेंपल तक जाने के लिए या फोर्ट तक जाने के लिए। सफारी बुक करने के लिए आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पर जाके अपनी सफारी बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप रणथंभौर में अपनी सफारी के लिए बुकिंग करते हैं ऑनलाइन और वो सक्सेसफुल नहीं होती है, रणथंभौर पार्क के आसपास काफी सारे होटल्स हैं और सबका प्राइस एटलीस्ट है 1000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से। अगर आप लोग अपने होटल स्टाफ को बोलेंगे कि आपके लिए सफारी बुक कर दें तो एटलीस्ट वो 400 to 500 रुपीज़ लेंगे इस बुकिंग के लिए, चार्ज के लिए, इसको जुगाड़ बोलते हैं।
तो आपकी सफारी बुकिंग हो जाएगी। अगर आप लोगों को पार्क या जानवर से कुछ ज्यादा ही लगाव है और आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे फुल डे टूर लें या हाफ डे टूर लें, तो मैं आपको प्राइसेस बता देता हूँ। आपको एक गाड़ी पूरे दिन के लिए मिलेगी 48,000 में। अगर आप हाफ डे टूर लेंगे तो आपको जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो होगा 37,500 इंडियन रुपीज। एक दो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर आप किसी अच्छे सीजन में जाते हैं, पॉपुलर सीजन में, तो रणथंभौर जो पार्क है वो दिल्ली जयपुर के काफी पास में, इस वजह से काफी टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं और ट्रैफिक को रेगुलेट करना रणथंभौर पार्क के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। प्लस अगर आपको अपना जोन चेंज करना है तो आपको कुछ मिनिमम फीस देनी पड़ेगी अपना जोन चेंज करने के लिए, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अगर आप लोगों के पास में खुद का प्राइवेट कार नहीं है और आप गणेश टेम्पल को, रणथंभौर फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप सवाई माधोपुर विलेज से अपने लिए गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं। रणथंभौर 2 से 3 दिन तक एक्सप्लोर करने के लिए बहुत है एक नॉर्मल बजट में, एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आपको वीडियो काम का लगा हो, आपको लगा हो कि काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिले रणथंभौर के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ टू कमेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।